भागलपुर के लैलक में लगी आग के कारण सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस दौरान देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आसपास का पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जबकि पुख्ता तौर पर सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। इधर इस आगजनी की घटना में लैलक स्टेशन परिसर के ठीक बाईं तरफ स्थित दर्जन भर से अधिक दुकान आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर लोगों द्वारा काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची तब तक दर्जनों परिवार की जिंदगी और सपने आग की लपटों के कारण तबाह हो चुकी थी। यह घटना गुरुवार की है, जिसमें किराना, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक समेत कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले उन लोगों को तेज धुआं उठते दिखाई दिया, जिसके बाद वे लोग सामने की ओर गए और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण करीब 15 दुकान जलकर राख हो गया है। साथ ही लोगों ने बताया कि आग लगने के कुछ देर बाद दो सिलेंडर ब्लास्ट की जोरदार आवाजें भी सुनाई पड़ी। हालांकि इस आगजनी की घटना में जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान और लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया, जिससे कई परिवार महज कुछ ही देर में सड़कों पर आ गए। कैसे आग लगा था? ऐसे इधर से आग लगते हुए आया, चल रहा था, हम अकेले दुकान में बैठे हुए थे। दो जरकिन मेरे पास पानी था, दो जरकिन में पानी मारे, नहीं बुझाया आग, आग अपना लपेट में समेट के जल दिया। क्या क्या सामान आपका जला है? मेरा सामान तो फ्रिज जला, सिगरेट था 5-10 हज़ार का, मोबाइल था 10-15 हज़ार का, ठंडा 20-25 हज़ार का रुपया का ठंडा होगा, फ्रिज था, ये सब जल के खाक हो गया सर मेरा। लगा है उधर से, लगा है तो पूरा आग उठने लगा, तो जो है कि हम लोग इधर आए दौड़ करके तो देखे तो सोचे क्या कि नहीं बचा पाएंगे, तो कुछ बचाएंगे तो जो है कि नहीं बचा पाए तो छोड़ दिया, दुकान छोड़ करके भाग गए। आग लगने का पता नहीं है? नहीं, आग लगने का नहीं पता ना है। उधर से मुँह पर आग लग रहा था सर, हम जारन बोल रहे थे, हम देखे थे इसका से बोले कि भूता उसे जो आग ही लग रहा, सब भाग गया, हम उधर से दौड़ते आकर पूरे एकदम से जर गया। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो की धारा के अंतर्गत गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। दरअसल सहारा इंडिया में शाखा प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत रेप के अभियुक्त उमेश यादव पर उसके ही पड़ोस की रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 22 फरवरी 2016 को यह मामला महिला थाने में दर्ज किया गया। वहीं इसके बाद मामले की सुनवाई चली, जिसमें बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने उमेश यादव को दोषी पाया, जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की सजा के साथ 1,00,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है। इसको लेकर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि अभियुक्त ने बिस्किट खिलाने के बहाने बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि इसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। 1,00,000 रुपया जुर्माना दिया गया है, नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास और पीड़िता को 6,00,000 रुपया वो प्रतिकर के रूप में उसे देने का निर्देश दिया गया है। और इस तरह की ये घटना किए थे कि आज समाज में अपने छोटे बच्चे को कोई गोदी देना भी देने से डरेगा, कि गोदी में बिस्कुट खिलाने के डर से, बिस्कुट खिलाने का लोभ दे के ले जाते हैं और उसके साथ घटने करने का प्रयास करते हैं। मगर इस बात को हमारे माननीय न्यायालय में इसे न्यायपूर्वक न्याय दिया गया, जिस समाज में ये जाए और अभियुक्त के प्रति भय व्याप्त हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर रहें तो न्याय के सामने सभी बराबर हैं।
भागलपुर विश्वविद्यालय में 46वां और 47वां दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण 46वां दीक्षांत समारोह नहीं मनाया जा सका था, जिसके कारण इस वर्ष दोनों दीक्षांत समारोह को एक साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति से भी सहमति मिल चुकी है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर भी मौजूद रहेंगे, जबकि दीक्षांत समारोह के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री को भी तिलका मांझी विश्वविद्यालय की ओर से आमंत्रण भेजा गया है। वहीं इसको लेकर TMBU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 185 गोल्ड मेडल, 2 डीलिट डिग्री, 86 PhD की डिग्री समेत कुछ और भी डिग्रियां छात्र छात्राओं को प्रदान की जाएगी, जबकि इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कुलपति ने बताया कि इसको लेकर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसकी बैठक लगातार की जा रही है, जबकि इसके अलावा 20 कमेटियां भी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है। ये जो कन्वोकेशन है 47वां कन्वोकेशन होने जा रहा है, और साथ साथ 46वां कन्वोकेशन जो है उधर पीछे ऑफिस में चले जाए, 46वां कन्वोकेशन जो नहीं हो पाया था कोरोना के चलते, उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। तो दो कन्वोकेशन का एक साथ हम लोग प्रोग्राम करें, एक करेंट 47th एंड 46th, और ये कन्वोकेशन का कार्यक्रम 25 अप्रैल को निर्धारित है। माननीय महामहिम ने अपनी सहमति प्रदान की है और उसके अंतर्गत उस कन्वोकेशन को सफल बनाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के अलावे हम लोग कल 20 कमेटियां बनाए हैं डिफरेंट टाइप, और उसी का भी मीटिंग चल रहा है, पूरा डिटेल चल रहा है, प्रोग्राम कैसे होगा, कब होगा, एक एक मिनट मतलब प्रोग्राम, एक एक जितने भी जो कमेटी है उसको निर्देश दिया जा रहा है कि कहीं से कोई चूक नहीं रहे और जितना बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है ना वो। कितने घंटे का लगभग जी, कितने घंटे का लगभग प्रोग्राम होगा? मैं समझता हूँ प्रोग्राम तो 11 बजे से होगा, और आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें 2000। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुरुवार को देश भर में कई जगहों पर रुद्रावतार राम भक्त हनुमान जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर अंजनी पुत्र बजरंगबली का जयकारा लगाया। इसको लेकर जहां कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं भागलपुर के हनुमान मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ के साथ केसरी नंदन हनुमान की पूजा पूरे विधि विधान से एवं भक्ति भाव से की गई। भागलपुर DDC कुमार अनुराग बुधवार को सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां DDC ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर VDO मनोज कुमार मुर्मू, मनरेगा पदाधिकारी कमल नयन, अंचल अधिकारी रवि कुमार सहित कई अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं से संबंधित कागजातों को देखा। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने जाँच पड़ताल करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। वहीं DDC कुमार अनुराग ने बताया कि सुल्तानगंज में ब्लॉक निरीक्षण के दौरान केस पंजी सहित अन्य योजनाओं के कागजातों की जांच की गई। साथ ही DDC ने कहा कि आवास योजना में जो कमी देखी गई उसके लिए सभी को आवश्यक निर्देश देकर कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान प्रखंड और अंचल के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सुल्तानगंज में जो रेगुलर ब्लॉक इंस्पेक्शन होती है वो आज की तिथि निर्धारित था, तो उसमें क्या गया, उनके सारे जितने भी कैश बुक पंजी जितनी भी योजनाएं चल रही है उनकी समीक्षा की गई, आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, और साथ में ही जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई। तो इसी के मद्देनज़र जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई थी उसके लिए निर्देशित किया गया प्रखंड को, जैसे कि आवास योजना में अभी भी अराउंड 350 घर पेंडिंग है जिनको कंप्लीट करवाना है, और प्रगति काफ़ी धीमी है, जिसके आलोक में आवास पर्यवेक्षक जो है यहाँ पे उनको शोकॉज करके कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया गया कि 1 महीने के अंदर वो टारगेट कंप्लीट करेंगे।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर गुरुवार को देश भर में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेता और मंत्री के अलावा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर भागलपुर भाजपा कार्यालय में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के ध्वजारोहण के साथ जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने और संचालन दिलीप निराला ने किया, जबकि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी पिंकी कुशवाहा और लोकसभा प्रभारी रामानंद चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की स्थापना के मूल उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा स्थापना दिवस पर दिए गए उद्बोधन को कार्यकर्ताओं ने सुना और संगठन के मूल सिद्धांत पर चलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लिया। इधर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जेपी सेनानियों के साथ जनसंघ काल से जुड़े संगठन के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता मात्र देश को आगे ले जाने का माध्यम है, जबकि समाज में जरूरी परिवर्तन लाकर सभी देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के साथ भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना लक्ष्य है। समारोह में एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, डॉक्टर राजीव पोद्दार, डॉक्टर प्रीति शेखर, अभय बर्मन, अभय घोष सोनू, विजय कुमार कुशवाहा के अलावा पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मसदी पंचायत अंतर्गत मसदी मौजा में भूदान के जमीन पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाने के बावजूद अंचल अधिकारी ने दलबल के साथ पहुंचकर भूदान के जमीन की नापी कराने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर भूदान के पर्चाधारी किसान विजय शाह एवं रविशंकर मंडल ने बताया कि 55 एकड़ 38 डिसमिल भूदान की जमीन है, जिसमें 700 पर्चाधारी किसान 1987 से घर बनाकर रह रहे हैं। विजय शाह ने बताया कि इस जमीन पर घोरगट के निवासी चंद्रिका यादव और उसके पुत्र द्वारा डीएम का धौस दिखाकर अंचल के अधिकारियों से मिलकर जबरन जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि भूदान के इस जमीन पर हाईकोर्ट में केस नंबर 13627/2015 के अनुसार मामला दर्ज होने के कारण हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। साथ ही किसानों का कहना है कि पूर्व में भी अंचल अधिकारी भवेश झा और अंचल अमीन अमित कुमार भूदान के जमीन पर नापी करने पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगने का कागजात देखने पर बिना नापी किए वापस चले गए। वहीं एक बार फिर से जमीन की मापी करने दलबल के साथ पहुंचे अंचलाधिकारी ने कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद जमीन की नापी की। ये जमीन जो है 700 पर्चा पहले से कटा हुआ है, समझे कि नहीं। इसमें जो है स्टेटस लगा हुआ है और झूठ मूठ के ये नापी करने के लिए बरोबर आते हैं, एक दिन और लौट के चले गए हैं और आज भी जो है नापी बायजबरन किया, नापी कोई लिखित के रूप से नापी नहीं हुआ है। कौन लोग थे? नहीं, इनसे कवाला मांगा गया, ये कवाला नहीं दिए और इसके लिए हम लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी हम प्रयास नहीं मिला हमको। कौन लोग नापी किया? सीओ साहब और बड़ा बाबू। बड़ा बाबू तो खैर उनका अंग रक्षक है, अमित है, अमित बाबू रवि कुमार, उनके द्वारा नापी किया गया। जी तो आप लोग स्टेटस का कागज दिखाए? जी नहीं देखा, अगला बार भी दिखाए थे, इस बार भी दिखाए, नहीं देखना चाहा।
और नापी किया। क्या कहा इसके स्टेटस को लेकर? आइए वहाँ आइए, कहाँ ऑफिस आइए, वहीं दिखाएंगे। यहाँ नहीं दिखाया? नहीं यहाँ नहीं दिखाया। बाईजबरन नापी किया गया? बाईजबरन प्रशासन के समक्ष बाईजबरन नापी किया गया।